विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत के यौम तासीस के 10 साल तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर बतारीख 14 जून को तेलंगाना वैद्य आरोग्य दिनोत्सवम प्रोग्राम का सारी रियासत भर में बड़े पैमाने पर किया गया अहतमाम। इसी तनाजुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान मलिक कौसर मोहियुद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में तेलंगाना विद्या आरोग्य दिनोत्सवम प्रोग्राम में शिरकत की और वहां पर तमाम मरीजों में फल और हामिला ख्वातीन में न्यूट्रिशन किट्स का एहतमाम करते हुए तमाम को ये तकसीम किया गया। इस मौके पर RMO बस्ती दवाखाने के तमाम जिम्मेदारान, पार्टी के मुतालिका कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरान, वजीउज़्ज़मा, बदरुद्दीन, स्वामी यादव और कई सारे BRS पार्टी व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा में दशाब्दी उत्सवालु, तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद 10 साल के बाद पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट में तेलंगाना दशाब्दी उत्सवालु कर रहे हैं। ये आज का दिन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का है, वैद्य आरोग्य डिपार्टमेंट से ये उत्सवालु कर रहे हैं, मतलब फंक्शन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्ला, सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा, आज हमारे हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन साहब, MLA साहब जनाब कौसर मोहद्दीन साहब और कॉरपोरेटर्स और मेंबर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स और पूरा स्टाफ सब मिलके जो है आज पूरे हॉस्पिटल में मरीज़ों को फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये सब हमारे चेयरमैन MLA साहब जनाब कौसर मोहद्दीन साहब के सरपरस्ती में आज पूरे पेशेंट्स को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यही ओकेशन में हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा स्टाफ को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है साहब के हाथों से। और आज हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा में खासकर से CM KCR साहब के और हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब से, उनके हेल्प से जो है हर प्रेग्नेंट वुमेन लेडीज़ को न्यूट्रिशन किट दिया जा रहा है, ताकि हर प्रेग्नेंट लेडीज़ में अनीमिया वगैरह, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं होना और नॉर्मल डिलीवरीज होने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करके ये न्यूट्रिशन किट्स आज दिया जा रहा है। ये न्यूट्रिशन किट 27 वीक से 34 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ये न्यूट्रिशन किट से लोगों को बहुत, प्रेग्नेंट वुमेन खासकर से गरीबों को बहुत मदद मिल जाती है। ये न्यूट्रिशन किट में 1 kg डेट्स है, खजूर है और आयरन सिरप है और घी है और न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर है। ये सब जो है 27 to 34 वीक्स में अगर पेशेंट ओनली फीमेल लेडीज़ प्रेग्नेंट वुमेन ही खाना है, ये खाने से क्या होता है अपने को डिलीवरी के टाइम पे आसान से डिलीवरी हो जाती है, आयरन डिफिशेंसी, खून की कमी, ऐसे चीज़ों ताकत वगैरह सब जो है कमज़ोरी से दूर हो जाता है। तो हर पेशेंट जो है वो लेने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन उसको जो है कंज्यूम करना है। और ये सब हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत से इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज पे ध्यान दिया जा रहा है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हर जूम मीटिंग में जो है नॉर्मल डिलीवरीज इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट्स के सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए
हर बार जो है जूम मीटिंग में इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और हमारे हॉस्पिटल डेवलप कमेटी चेयरमैन जनाब कौशल मुद्दीन साहब, एमएलए साहब की मदद और हमारे एमपी साहब असदुद्दीन साहब की मदद और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे कमेटी मेंबर्स के सब के मदद से हमारा हॉस्पिटल अल्लाह का शुक्र है अभी जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। हमारे पास आईसीयू सर्विसेस है, हमारे पास डायलिसिस किडनी पेशेंट्स के सर्विसेस है, डायलिसिस में रोज़ 5 बेड्स है, डेली जो है 10 पेशेंट्स ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। हमारे को अवार्ड भी आया है ये साल 23 में काया कल्पावल के, ये नेशनल अवार्ड है, ये नेशनल अवार्ड स्पेशली सैनिटेशन और हाइजेनिक में इम्प्रूवमेंट के वजह से हॉस्पिटल में सेंट्रल कमेटी विजिट के नहीं नहीं पूरे दवाखानों को नहीं देते, सेंट्रल कमेटी टीम आती है विजिट करने के बाद, वो टीम सेटिस्फाइड होने के बाद ही ये जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एमआरओ आरएमओ साहब भी 2 मिनट बात कर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। Actually, we are celebrating our decade celebrations of our Telangana Formation Day. On this day, this is our Health Department Day. So on this day, so with our beloved HDS Chairman and MLA Janab Kausar Mohiuddin Saab, under his leadership, we have successfully completed the fruit distribution program in the to the patients of the all hospital wards. And at the same time, he has distributed the nutrition kits to the pregnant women. And after that, the appreciation awards has been given to the staff who has performed very well in last 2023 and in corona time. So we thank our CM KCR Saab, Health Minister Harish Rao Saab, and our Health Secretary Rizvi Saab. And we are also thankful to our Commissioner, our MP Saab, Asaduddin Saab, and Asaduddin OVC Saab. And same time, I would like to once more give Mohiuddin Saab. Then I would like to thank our Commissioner Dr. Ajay Saab, and I would like to thank our DCHS Madam Dr. Sunita Madam, and at the same time I would like to thank my Superintendent Dr. Mazurullah Saab, and same time I would like to thank all my staff members from name to name, from the attender level to the officer level. Everyone cooperated on this day, and our hospital is in shining at this moment. Thank you very much. RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, भादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर।